हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम आ गया है और मार्केट में ढेर सारी पालक, मेथी, ऐसे बहुत से साग आ चुके हैं। और पालक तो इतना टेस्टी बनता है, जिस स्टाइल से मैंने बनाया है उस स्टाइल से एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये वेजिटेबल पालक बनाया है मैंने, बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। 1 किलो पालक लिया है मैंने, 2 बैंगन, 2 आलू लिए हैं, थोड़ा सा हाफ बाउल मैंने सोया लिया हुआ है और उसी के साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं, हाफ बाउल मैंने मटर ली हुई है, 2 प्याज लिया है, लहसुन की कलियां हैं 10 से 12 और स्प्लिट की हुई हरी मिर्च है। कढ़ाई ली है, कढ़ाई में तेल डाला है 2 बड़े चम्मच। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी इसी टाइम पे हमने जो लहसुन की कलियां को पीसेस में कर लिया था बहुत बारीक बारीक, उसको डाल देंगे। उसको भी हल्का सा तेल में फ्राई होने देते हैं। लहसुन भी फ्राई हो गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे मिर्च जो स्प्लिट करके रखी थी, उसको भी हल्का सा फ्राई होने देंगे। अब हम डालेंगे मटर के दाने थोड़े से, ऑप्शनल है तो डालिए, करना कोई बात नहीं, ये भी हो जाए। उसी के साथ हम डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर। गैस का फ्लेम जो है उसको हम कर देंगे लो, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी इसी स्टेज पे हम थोड़े से मसाले डालेंगे। वैसे तो पालक में मसाले की कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अगर हल्का सा आप डाल देंगे तो आपका जो पालक है वो बहुत टेस्टी बनेगा। थोड़ा सा जो टेस्ट है वो एनहेंस हो जाएगा। थोड़ा सा हम डालेंगे मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने सब लिया हुआ है। थोड़ी सी हम डालेंगे 1 पिंच के करीब में हल्दी का पाउडर और ये फ्रेश मैंने ज़ीरा पाउडर घर पे बनाया है उसको मैंने डाला है। और इसी के साथ हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से चलाते हैं, मसाले का जो कच्चापन है उसको दूर करने के लिए। अब इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो बैंगन और आलू लिया है उसको डाल देंगे, क्योंकि जो ये सब्ज़ी है पालक के मुकाबले थोड़ी लेट गलेगी, इसलिए सबसे पहले हम इसको डालेंगे और जब ये थोड़ी सी गल जाएगी उसके बाद हम पालक डालेंगे। 30-40% ये पक जाना चाहिए, उसके बाद हम पालक को इसी के ऊपर डाल देंगे, तो आराम से ये नीचे की जो सब्ज़ी है वो पक भी जाएगी और टेस्ट भी आ जाएगा बहुत अच्छा सा, टाइम भी नहीं लगेगा आपको। साथ में डालेंगे तो दिक्कत हो जाती है कि आलू गला है कि नहीं, इसलिए अप टू 50% या 40% इसको गला लीजिएगा। बस इसी के साथ हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे रख देते हैं। ये देखिए सब्ज़ी हमारी जो है वो 40-50% पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे अपने पालक। और इसी के साथ ये सोया है इसको भी हम डाल देंगे। अभी इसको टच नहीं करेंगे, अभी इसको हम ढक देते हैं। दो से तीन मिनट के बाद इसको हम फिर से देखेंगे एक बार। ये देखिए अब ये थोड़ा सा गल गया है, अब इसको एक बार हम चला के ऊपर नीचे कर लेंगे। का पानी सुखाने तक और साग गलने तक इसको पकाना है।
ये देखें लगभग हमारा साग जो है पालक का वो बनके तैयार हो गया। इसको ना थोड़ा सा लिक्विड जब हम रखते हैं ना तो ये बहुत टेस्टी लगता है। मर्जी आपकी, आप इसको थोड़ा सा सुखा भी सकते हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पे इसको बंद कर दूंगी क्योंकि मुझे ये ऐसे स्टेज पे थोड़ा सा हल्का सा गीला गीला से बहुत टेस्टी लगता है। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमारा साग जो है वो कंप्लीट हो गया है, हर चीज़ परफेक्टली पक गई है, गल गया है, आलू बैंगन सब कुछ, और दिखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। तो बनाइएगा इसको ज़रूर। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे।